नमस्कार। कक्षा 12 का पाठ सीरीज के फूल। इस पाठ में सीरीज के वृक्ष को अद्भुत अवधूत कहा गया है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है, लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि आपने यदि सीरीज का फूल देखा भी होगा, उसका वृक्ष देखा होगा, तो वह आप देखेंगे कि हर प्रकार की धूप हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, अंधड़ हो, सबको, सभी सुखों और दुखों को एक सन्यासी के समान सहन करता है। जिस प्रकार से सन्यासी को किसी भी कष्ट अगर उसके सामने आ जाए तो उससे कष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार से शीर्ष का जो पुष्प है, उसका वृक्ष है, वह भी एक सन्यासी की तरह सुख और दुख में समान रहता है। इसीलिए लेखक उसे अवधूत के समान कहते हैं। और ऐसा लगता है कि यह काल यानी मृत्यु को जीत करके समय को भी धोखा दे रहा है, समय को जीत लेता है। जब लू का मौसम आता है, लू चलती है, और उसमें भी यह हारता नहीं है, पराजित नहीं होता है, इसलिए इसके वृक्ष को कालजयी कहा है। कालजयी किसे कहा जाता है? जो काल को भी जीत ले, काल को जीतने वाला। इसी तरह से अगर हृदय की कोमलता को बचाने के लिए प्रायः है हमारा व्यवहार जो है वो कठोर होना उसमें जरूरी हो जाता है। और शीर्ष का वृक्ष जो है अपनी सरसता को बचाए रखने के लिए, कोमलता को बचाए रखने के लिए हमेशा क्या व्यवहार करता है? बाहर से कठोर हो जाता है। जिस प्रकार से यदि आप नारियल को देखेंगे तो उसमें भी यही गुण होता है। उसके फल जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं, और उस कठोर आवरण के भीतर उसकी जो सरसता है या कोमलता है वह बनी रहती है। बात करते हैं कि शीर्ष का जो फूल है उसका उदाहरण दे करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताया है कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितने भी हमारे सामने संकट आ जाएं, हमें अपने उत्साह और सरसता को बचा करके रखना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? कहने का मतलब है कि ऐसा सन्यासी व्यक्ति आज कहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ हमारा दुर्भाग्य है कि आज लोग देह बल और धन बल जुटाने में लगे हैं। देह बल यानी शारीरिक जो शक्ति होती है, और धन बल यानी ज़्यादा धन कमाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े सन्यासी और साधु आदि भी इसी देह यात्रा में लग गए हैं, यानी कि आपको बलशाली बनना है और अधिक धनशाली बनना है। लेकिन लेखक कहता है कि आज भारत में आत्मबल वाले सन्यासी खत्म हो गए हैं, जो पुराने समय में हुआ करते थे। आज सत्य है कि कवि या साहित्यकार से बहुत ही ऊंचे आदर्शों की उपेक्षा की गई है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो साहित्यकार है उसके आदर्श ऊंचे हों, लेकिन ऐसा आज देखने में नहीं आता है। यह बात सत्य है कि चारों ओर सर्वनाशी सर्वग्रासी काल मुंह फाड़े खड़ा है। अग्नि और लू तपन का साम्राज्य है। चारों तरफ क्या है? बहुत ज़्यादा संकट हैं, कठिनाइयां हैं। यहाँ पर जो शीर्ष का फूल है उसकी तुलना मनुष्य के साथ भी की गई है, और उसी का उदाहरण देकर के मनुष्य को हर समय पर शक्तिशाली बने रहने की प्रेरणा भी यहाँ पर लेखक देता है। मनुष्य या प्रकृति में जो संघर्षशील अजय प्राणधारा है, प्राणधारा किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारी जीने की शक्ति है, जीवनी शक्ति है, यहाँ संघर्ष मनुष्य जो कर रहा है, हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जीने की प्रबल लालसा सभी में विद्यमान है, यानी कि हर व्यक्ति जीना चाहता है, और सब कुछ नष्ट करने वाली विनाश लीला में निरंतर एक संघर्ष चल रहा है। यहाँ पर आज के वर्तमान काल में मैं एक संदर्भ और ऐड करना चाहूँगी इसी पाठ के संदर्भ में। अभी कोरोना काल चल रहा है तो ये हमारा एक संघर्ष है, और जब हम उससे लड़ रहे हैं तो संघर्ष से लड़ने की जो हमारी यात्रा है ये निरंतर चल रहा है, ये एक प्रक्रिया बन गई है कि हम लड़ाई कर रहे हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। मैं आपको हर अपने जो भी पाठ है, मेरा उद्देश्य साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करके केवल आपको उसका मेन जो टॉपिक है उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है।
अगर मैं किसी साहित्यिक भाषा वाले लेक्चर को बनाती हूँ तो वो भाषा शायद ही आपके समझ से ऊपर जाएगी, इसलिए आप उसे लिखने की भाषा ना बनाएं, इसे केवल समझने के लिए प्रयोग करें। जो लिखने की भाषा वाले प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको अलग से अलग क्लासेस में बताऊंगी। यहाँ हम केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी फल और पेड़ स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं होता। वृक्ष का अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि वह वृक्ष है, यानी कि जीवन वहीं पर समाप्त नहीं होता है। वास्तव में फल या पेड़ हमें यह बताता है कि इन्हें उगाने वाला और बनाने वाला कोई और ही है, उसे हमें जानना चाहिए, यानी कि हमें जिसने बनाया है, जिस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, उसे जानना चाहिए और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सीरीज के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। शीत पुष्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्येष्ठ माह यानी कि जो मई जून की गर्मी होती है उसमें भी यह इस पर फूल लगते हैं, और इसके फूल जो होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं। तो एक और इस तरह की जो आग बरसाने वाली जो गर्मी है उसमें लू के थपेड़ों को ये सहता है, आंधी को सहता है, झंझावात जो आते हैं, तेज़ तूफान आते हैं, सभी को सहता है। साथ ही अगर हम इसके विपरीत स्थिति की बात करें तो यह बिल्कुल कोमल पुष्प भी होता है। अगर इस प्रकार की गर्मी में किसी भी पुष्प को रख दिया जाए तो वह निश्चित रूप से मुरझा जाएगा। लेकिन इस पुष्प का क्या गुण होता है कि यह लहलाता रहता है, हमेशा खुशनुमा रहता है, और यह जब भी संभव है जब इतना शीतल हो कि वो आग को पा करके भी ठंडा हो जाए, इसलिए इसे क्या कहा है, शीत पुष्प कहा है, यानी कि गर्मी में भी ठंडा रहने वाला। बर्फ पर आग रखने से आग को ही शांत होना पड़ेगा, यानी गर्मी जो है वो खुद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये फूल ख़त्म नहीं होगा। कोमल और कठोर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यानी कि विपरीत भाव हैं, और यह दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की भी एक विशेषता थे। गांधी जी जो थे वो सज्जनों के विषय में ये कहा जाता है कि उनका व्यवहार कठोर होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका व्यवहार कठोर होता है लेकिन वो हृदय का कोमल होता है। और गांधी जी भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, जो सामान्य जनता है उसकी पीड़ा से वो हमेशा द्रवीभूत हो जाया करते थे, और जब उन्हें विरोध करना होता था तो वो कठोर बन जाया करते थे। इसी प्रकार से यह बताया है इस पाठ में। दुमदार, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। ये किस लिए लेखक कहता है कि कोई दुमदार यानी सजीला पक्षी, जैसे पिकॉक होता है, मोर होता है, उसकी दुम होती है, नृत्य करता है, फिर दुम गंवाकर कुरूप जीवन जीता है, बाद में वो कुरूप हो जाता है। इससे अच्छा तो पूंछ कटा हुआ व्यक्ति ही है, वह पंख भी हीन क्या हुआ। अगर उसे पंख नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम उसे पूंछ गंवाकर कुरूप होने की दुर्गति तो झेलनी नहीं पड़ती है। यानी कि पहले जो आपके पास अच्छी चीज़ थी आपने वो गंवा दी तो वो एक बहुत बुरी स्थिति है। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है तो आप गंवाए भी नहीं गए तो वह एक अच्छी स्थिति है। शीश के वृक्ष जो होते हैं बहुत ही छायादार होते हैं, और इन्हें ये माना जाता है, घर में लगाना इन्हें शुभ माना जाता है, सजावट भी ये घर की करते हैं। इनके तने बहुत मजबूत नहीं होते हैं और इनकी डाल जो होती है थोड़ी कमज़ोर होती हैं। ज़्यादातर इन पर झूले नहीं लगाए जाते हैं। कुछ पुराने समय में जो रईस होते थे वो इसे अपने घर की चार दीवारी के आसपास लगाया करते थे, और इसका फूल जो बहुत ही कोमल और सुंदर भी होता है, और इसके फल जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। जब तक नए फूल आकर के उन पुराने फूलों को धक्का नहीं लगा देते हैं तो ये अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इसी की तुलना नेताओं से की है कि जब
लोग आकर के, नए लोग आकर के नेतागिरी नहीं करने लग जाते हैं तो पुराने नेता हटना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सामान्य कवि भावों की गहराई और अनाशक्ति की ओर ध्यान नहीं देता है। कवि ये भी यहाँ पर क्या रेफरेंस लिया है कि कालिदास जो थे, कालिदास अनाशक्त रहते थे, कविता करते समय पूरी तरह वो स्थिर प्रज्ञा यानी बैलेंस्ड माइंड रहते थे, उनका दिमाग इधर उधर नहीं चलता था। तो गांधी जी की और शिरीष की तुलना की है, साथ ही कालिदास का भी यहाँ पर रेफरेंस लेखक ने लिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ पुराने नेताओं पर भी यहाँ व्यंग्य करते हैं कि वो सत्ता को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस प्रकार से हम इस पाठ की संक्षिप्त जो है व्याख्या यहाँ पर हमने की है। इसके अलावा आप इसी पाठ से संबंधित मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इस पाठ से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।